क्राइम फ्री जालौन की ओर एक और सराहनीय कदम बढ़ाया गया है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को धर दबोचा है। चोरी की गई दुनाली सहित कई सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार के निर्देशन में आज उरई कोतवाली पुलिस एसओजी टीम सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में दो बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से इंडियन बैंक उरई से सेंध लगाकर चोरी की गई दुनाली बंदूक, 17 कारतूस, मोबाइल फोन से संबंधित एसेसरीज तथा एक टैबलेट फोन, ग्राइंडर, हथौड़ी सहित चोरी करने में उपयोग किया गया सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है। इसके खिलाफ जनपद जालौन के विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। क्या क्या पूरा मामला है, क्या देखिए, जो खुलासा हुआ है, थाना उरई कोतवाली क्षेत्र में 10 तारीख के दिन में रात्रि में हुई घटना की सूचना मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन बैंक, जो कि डीबीसी ब्रांच है, इंडियन बैंक का ब्रांच में उसको में जो है नकबजनी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अपराधियों ने जो दो चोर उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी बाद में आए थे, उन दोनों लोगों ने वायर कटर से काट के, ग्राइंडर से काट के उसके अंदर में प्रवेश किया था और वहाँ से एक डीबी चोरी कर ली थी। साथ ही साथ एक टैबलेट भी चोरी किया था और अन्य फिटफुट सामान भी चोरी की थी। इन्होंने कोशिश की थी कि वहाँ के स्ट्रांग रूम को में भी घुसें, चोरी करें, लेकिन वो कर नहीं पाए थे और उसके बाद इन्होंने सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त करके भाग गए थे। उसी संबंध में इस घटना का अनावरण किया गया है। एसओजी और सर्विलांस की टीमों के द्वारा इस घटना में एसएचओ कोतवाली की टीम के साथ काम करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों चोरों के पास से 100% रिकवरी भी हुई है। जो डबल बैरल जो गन थी उसको भी रिकवर कर लिया गया है और साथ ही साथ जो टैबलेट एक चोरी हुआ था वहाँ बैंक परिसर से, वो भी रिकवर कर लिया है। यद्यपि इन चोरों ने उस टैबलेट को तोड़ दिया था, पर टूटा हुआ टैबलेट ही रिकवर हुआ है। इसके अलावा इन चोरों के पास से एक मोबाइल की दुकान से भी कुछ दिन पहले इन्होंने चोरियाँ की थी, उसकी भी रिकवरी की गई है। और इस तरह से दो घटनाओं का खुलासा किया गया है। इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम धर्मेंद्र है जो कि थाना रेंगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति का नाम मनोज है जो उसका साथी है। धर्मेंद्र का पुराना आपराधिक इतिहास भी है और मनोज उसका साथी है। धर्मेंद्र जेल भी जा चुका है, अतः अब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से काफ़ी अच्छा गुड वर्क एसओजी सर्विलांस की टीम ने। गैंग के सारे सदस्य पकड़े गए हैं और कुछ बाकी हैं? यही दोनों थे जिन्होंने घटनाएं की थी, इन दोनों को पकड़ा गया है और इनके अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। अगर कोई अन्य साथी भी होंगे तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनकी फुटेज सीसीटीवी में भी आई थी, यदि इन्होंने तोड़ दिया था बट उन लोगों ने रिकवर कर लिया। आप देखें न्यूज़ वीके, मैं हूं आपका अपना देवेश। क्राइम फ्री जालौन की ओर एक और सराहनीय कदम बढ़ाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार के निर्देशन में आज स्थानीय यानी उरई पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में घेराबंदी कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के बारे में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रवि कुमार ने बताया है कि अभी उरई नगर क्षेत्र में स्थित इंडियन बैंक, जो कि डीबीसी शाखा में स्थित है, उससे कुछ अज्ञात चोरों ने नकबजनी करके वहाँ से एक डबल बैरल बंदूक और कुछ कारतूस और सामान चोरी किया था। साथ ही एक मोबाइल की दुकान में भी चोरी की थी। तो आज जब गिरफ्तार मुजरिम जो किए गए हैं उनके पास से पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 70% रिकवरी हुई है। डबल बैरल बंदूक बरामद हुई है, 17 कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ मोबाइल का दुकान का सामान बरामद हुआ है और एक टूटा हुआ टैबलेट फोन बरामद हुआ है और साथ ही चोरी में किए जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के बारे में बताया गया कि उनके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। जालौन से देवेश कुमार सोनकार की रिपोर्ट।